हाय गाइस, दिस इज एडवोकेट उफ़सार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ। गाइस, अगर मुस्लिम लॉ के तहत एक मुस्लिम पति अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता है, उसका प्रोसीजर मैं अपनी डिटेल्ड वीडियोस के अंदर बता चुका हूं। कैसे हस्बैंड को अपनी वाइफ को तलाक देना है, उसका कानूनी तरीका क्या है, उसका शरई तरीका क्या है। लेकिन यहां पर फिर भी एक कंफ्यूजन अक्सर लोगों के जहन में रहती है कि क्या तलाक देते वक्त दो गवाहों का होना जरूरी है या नहीं। फ्रेंड्स, एक मैं बताता हूं कानून और एक बताता हूं आपको प्रैक्टिस और प्रोसीजर। कानून ये कहता है कि अगर एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को एक तलाक, दो तलाक या तीन तलाक बोलकर दे दी हैं, तो मुस्लिम कानून के हिसाब से, जो शरीयत कानून के हिसाब से, उसकी तलाक कंप्लीट हो जाती है और वाइफ उसके निकाह से बाहर हो जाती है। लेकिन अगर हम प्रोसीजर की बात करें तो आमतौर पर होता क्या है कि दोनों ही पार्टीज पूरा सच कोर्ट के अंदर नहीं लाती हैं। लड़की की तरफ से भी बहुत सारे झूठे एलिगेशन होते हैं और लड़के की तरफ से भी झूठे एलिगेशन होते हैं। लड़के ने अगर उसको वर्बली तलाक दे दी है तो उसका ना तो लड़के के पास कोई सबूत है और लड़की भी उस तलाक को नहीं मानती और वो कोर्ट में जाके कहती है कि मुझे कोई तलाक मिली नहीं है, ना मुझे कोई तलाक हुई है। फ्रेंड्स, ऐसी सिचुएशन के अंदर सही तरीका यह है कि जब एक हस्बैंड अपनी वाइफ को तलाक देने का प्लान कर रहा है तो फिर उसको एक लीगल प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए। लीगल प्रोसीजर यह है कि जब आप एक डिवोर्स डीड तैयार कर रहे हैं या अपने एडवोकेट के थ्रू आप तलाकनामा भिजवा रहे हैं, तो उसमें आप जब दो तलाक, दो विटनेसेस को, दो गवाहों को उसमें मेंशन कर देते हैं कि मैंने इनकी मौजूदगी में तलाक दिया है और वो दोनों गवाह उस तलाकनामे के ऊपर साइन भी कर देते हैं, तो कल को कोर्ट में जब इस तलाक से रिलेटेड कोई भी मुकदमा अगर होता है और वाइफ मना कर देती है कि मुझे तलाक नहीं मिला, तो वहां पर आप उस डिवोर्स डीड को एज ए पीस ऑफ एविडेंस आप पेश कर सकते हैं और उन गवाहों को भी कोर्ट के अंदर आप प्रोड्यूस कर सकते हैं कि मैंने इन दोनों गवाहों की मौजूदगी में तलाक दी थी और अब ये मुस्लिम लॉ के हिसाब से तलाक कंप्लीट हो चुकी है, इसीलिए अब मेरा, मेरी पत्नी और मेरे संबंध खत्म हो चुके हैं। फ्रेंड, जो लोग बिना गवाहों की मौजूदगी में, या मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि कभी भी तलाक बोल कर ना दी जाए, तलाक हमेशा लिख कर दी जाए, दो गवाहों की मौजूदगी में उनसे साइन करवा कर दी जाए, ताकि कल को कोई कोर्ट कचहरी में मुकदमा शुरू होता है तो आपके पास कुछ एविडेंसेस होने चाहिए ताकि आप कोर्ट के अंदर मुकदमा अपना साबित कर सको। आई होप आपको इस प्रोसीजर को समझने में आसानी हुई होगी। इसके बावजूद भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है, आप मुझे इनबॉक्स में लिखिए, टाइमली मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।